Good morning to all our students. It is your maths period. I will teach exercise 1.1, question number 8. आज मैं आपको exercise 1.1 का question number 8 पढ़ाने जा रहा हूँ. इसके पहले मैंने 1.1 exercise के 1 से लेकर के 6 तक के question, 7 तक के questions कराए और आपने अच्छे प्रकार से समझे और आपने homework भी किया क्लास में. अब उसके आगे से करना है आपको. सभी भैया भाई वीडियो को अच्छी प्रकार से देखेंगे और क्वेश्चंस को समझेंगे, किस प्रकार से कॉपी में लगाना है, कैसे करना है, सारी बातों को अच्छी प्रकार से समझ लेंगे. ठीक, तो अपनी कॉपी निकालें. कॉपी में आज की डेट निकालें 26 अप्रैल 2021. क्लास वर्क लिखे, एक्सरसाइज 1.1 लिखे. सबको बात ध्यान में आ गई, इतना काम ब्लैक पेज से करना है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है. क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट इन न्यूमेरल इंडियन सिस्टम. ठीक, इसमें डिजिट्स में आपको नंबर लिखने हैं और वो भी इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से लिखने हैं. तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है. 1000 वाला खाना ये है, यहाँ पर 46 लिखना है. फिर कहना है 800 वाले में 8 आएगा और 30, ये 30. इस प्रकार से हम इसको करेंगे. सबको समझ में आ गया? ध्यान रहे, वीडियो को ठीक प्रकार से देखेंगे, समझ करके ही क्वेश्चंस को कॉपी पर करना है. ठीक बात करिए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर है पी एच आई आर टी वाई 35 एफ आई बी ई 5 एल ए के एच एस नेक्स्ट 90 एन आई एन ई टी वाई 90,000
ठीक बात। तो डिजिट्स में लिखने के लिए जो पहले क्वेश्चन में मैंने लिखाया था इंडियन नंबर सिस्टम की टेबल बनाई थी, वैसे ही यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद वहां पर डिजिट्स को हम रखेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं टेबल, बना रहे हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक्स, टेन लैक्स। ये टेबल बन गए, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक्स, टेन लैक्स। ये इंडियन नंबर सिस्टम की टेबल है नंबर लिखने के लिए। यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ, 35 लैक्स, तो लैक्स वाले में क्या लिखना है, 35 लिखना है। तो यहाँ पर 35 लिखेंगे, 3 टेन लैक्स वाले में चला जाएगा, लिखा जाएगा, और लैक्स वाले में 5 लिखा जाएगा। इसके बाद 90,000, 90 यानी 9 और 0, तो 9 वाला 10,000 में आएगा, 0 वाला 1000 में आएगा, तो ये 90,000 हो जाएगा। इसके बाद 500 है, 100 वाले में 5 आएगा, 10 वाले में 60 यानी 6 आएगा, और ये 7 है। इस तरह से इसको हमें टॉपिक पर करना है और वीडियो को ध्यान से देख करके क्वेश्चंस को समझना है कि हमें टॉपिक पर किस प्रकार से करना है, और जो होमवर्क दिया जाएगा उसको भी ठीक इसी प्रकार से सुंदर लाइट में करेंगे। अब अगला क्वेश्चन लीजिए, ये वाला टॉपिक पर आप कर लीजिए, इसके बाद अगला लीजिए। सी नंबर लेंगे, सी नंबर है 64, एफ ओ यू आर 4 लैक, एम ए के एच 64 लैक, ई आई जी एच बी 8,000, ई एफ ओ यू एस ए एन बी 1,000, क्वेश्चन है 64 लैक्स 8,000 एंड 9। ठीक, इसके लिए भी हमको टेबल बनानी पड़ेगी, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक्स, टेन लैक्स। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, 64 लैक्स, तो लैक वाले कॉलम को 64 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 64 लिखेंगे, तो 6 आएगा 10 लैक्स वाले में और 4 आएगा लैक्स वाले में, ये हो जाएगा 64 लैक्स। फिर कह रहा है 8,000 केवल है, तो वो कहां पर आएगा, केवल 1000 वाले कॉलम पर आएगा। इसके बाद केवल 9 लिखा हुआ है, 9 वाला उसमें क्या है, वंस प्लेस का नंबर है, यहां पर 9 हो जाएगा। ठीक, अब जो खाने बच गए हैं वहां पर हम 0 लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 64 लैक्स 8,000 9। ध्यान में अगली बात, इस प्रकार से आपको टॉपिक पर करना है। अब देखिए इसके बाद आपको होमवर्क करना है, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर है डी 70 लैक ई आई जी एच टी वाई 80 लैक्स 80,000 400 420। इसके बाद ई नंबर है 9,00,00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 9,00,
99। ये दो क्वेश्चन है 70 and 80,420 और ई नंबर है 99 and 90,999। ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।